So suppose कि एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से जो कि कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कर रहा है. सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है? ये कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कर रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो एक मूव कर रहा होगा कुछ VC से, सही है? ऑलराइट. और सेंटर ऑफ मास पे और ये घूम रहा होगा ओमेगा से, ठीक है. और ये क्या कर रहा है? कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, यानी एक रोलिंग मोशन कर रहा है. वो क्या कर रहा है? वो राइट, वो रोल कर रहा है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट का हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाले किसी एक पॉइंट पे? तो यहां हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है. मानो इसको हमने कंसिडर कर लिया है पॉइंट क्यू. तो हमें क्या करना है? हमें इस सिस्टम का, अगर ये एक सिस्टम है तो हमें इस सिस्टम का, ये सिस्टम यहाँ पे कोई डिस्क हो सकता है या कोई बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नहीं. तो इस सिस्टम का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट अ पॉइंट क्यू, अबाउट अ पॉइंट क्यू, ये हमें निकालना है. तो ये क्यू क्या है? ये कोई जनरल पॉइंट है. अगर हम क्यू पे निकालना सीख गए तो हम बाकी किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट. तो हाउ टू डू दिस, तो अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे. कोई भी ऐसा डेरिवेशन करने से पहले बेसिक स्टेप क्या है कि कोई एक पॉइंट लो. पहले क्या करो, एक सिंगल पॉइंट लो और उस सिंगल पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम निकालो, उसके बाद समेशन करो. लेकिन आपने पिछले डेरिवेशन देखा, हमने अगर एल वन निकाला पार्टिकल एम वन का, फिर एल टू पार्टिकल एम टू का, फिर लास्ट में एम एन का, ऐसा किया ना. इसी तरह यहां भी पहले हम क्या लेंगे, एक पार्टिकल लेंगे, वी टेक वन पार्टिकल. तो मानो अभी हम लोग एक पार्टिकल लेते हैं इस बॉडी पे, एक P बोल के पार्टिकल लेते हैं, ठीक है. तो हम लोगों ने एक पार्टिकल ले लिया, उसका नाम क्या है? P. और उसका एक मास है M1, उसका मास क्या है? M1, ठीक है. तो ये जो पार्टिकल है इसका एंगुलर मोमेंटम हमें Q के अबाउट निकालना है. किसके अबाउट? Q के अबाउट निकालना है. तो इसका एक्सिस से अवे और पॉइंट की तरफ जो वेक्टर है वो तो ये है ना, ये है कि नहीं है? अगर ये मैंने M1 लिया तो ये क्या है? R1 है. ये पॉइंट समझ आपको? तो अगर मैंने इसको ith पार्टिकल ले लिया यानी MI, तो इसका ये डिस्टेंस क्या होगा? RI. तो आप ये समझ रहे हैं, मैंने RI क्यों इसलिए लिया? मैंने RI क्यों इसलिए लिया क्योंकि मुझे उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्यू के अबाउट निकालना है. तो एक्सिस कौन सा है? एक्सिस क्यू है. आर वेक्टर कहां से निकलता है? एक्सिस से निकलता है. इसलिए आर वेक्टर को हमने कहां से दिखाया है? क्यू से दिखाया है, पॉइंट की तरफ, एक्सिस से अवे पॉइंट के तरफ. तो ये है वो आर वेक्टर. ये समझ में है? अच्छा, अब ये तो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा? तो वो होगा आरसी वेक्टर. वो क्या होगा? आरसी वेक्टर. ये समझ में है? और सेंटर ऑफ मास से उसका पोजीशन क्या होगा? वो होगा पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ये समझ में है, ठीक है. तो अभी जो एंगुलर मोमेंटम है किसका? ith पार्टिकल का. वो क्या होगा? वो होगा RI क्रॉस PI. वो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल. एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल क्या होगा? RI क्रॉस PI. तो बाद में मैं इसका समेशन करूंगा, बाद में क्या कर दूंगा, इसको सम कर दूंगा. तो RI क्रॉस PI, और ये जो RI है मैं इसको क्या डाल सकता हूं, तो वो हम लोग देख लेते हैं. मुझे पता है कि RIC क्या है. RIC होगा RI माइनस RC. तो यहां से मुझे RI मिलेगा, तो RI क्या मिलेगा? RIC प्लस RC. तो मुझे मिलेगा RI इज इक्वल टू RIC प्लस RC. समझ में आप लोगों को? अच्छा, ये तो हो गया RI का स्टोरी. अब ये PI क्या है? तो PI जो है वो होगा MVI, M इंटू PI. अब वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल क्या होगा? वो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी होगा VIC प्लस VC.
BIC plus BCC से combined rotation and translation में हम जानते हैं अगर हमें BA निकालना है तो BA क्या होगा BAC plus BC ये rotational term ये translational term तो उसी तरह से ये VI IN particle क्या होगा BIC plus BC तो अब मुझे ये मिल गया RI और मुझे मिल गया PI इन दोनों को उठा के मैं यहां डालूंगा फिर मैं cross product लूंगा तो मुझे चार टर्म मिलेंगे कितने टर्म मिलेंगे चार टर्म तो लेट अस एनालाइज दोस फोर टर्म्स सब समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो इसको मैंने बोला इक्वेशन 1 तो आप देख लो यहां आप देख सकते हैं कि ये क्या है ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द आईएफ पार्टिकल दिस इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द आईएफ पार्टिकल दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द आईएफ पार्टिकल तो अब यहां पे हमें कितने टर्म्स मिलेंगे तो हमें मिल जाएगा li is equal to तो ri की जगह मैं डालूंगा ric plus rc cross pi में लिखूंगा m vic cross bc plus vc ठीक है वेरी गुड तो अब क्या अब यहां पे हमें लेना है क्रॉस प्रोडक्ट तो कितने टर्म बनेंगे चार टर्म बनेंगे कितने बनेंगे चार टर्म्स और ये m जो है ये m नहीं है m i है दिस m क्या है m i तो आप i एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो तो वी कैन नॉट राइट सिंपली m v i वी शुड राइट m i v i तो ये आपको दिख रहा है कि ये i एक पार्टिकल तो अभी यहां पे आप देख लीजिए कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हां ये क्या देगा आप देखो तो ये देगा अगर मुझे अब टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो क्या होगा वो होगा समेशन ऑफ li ठीक है तो चार टर्म आएंगे मेरे इससे और मैं चारों का आगे क्या लगाऊंगा चारों का आगे मैं समेशन लगा दूंगा समझ में आ रहा है i equal to 1 to n तो पहला टर्म क्या आएगा पहला टर्म आएगा ric cross mivic है कि नहीं RIC और ये cross MI VIC तो ये क्या रहा है I equal to 1 to n ये पहला टर्म होगा दूसरा टर्म क्या है RIC cross MIVC तो वो जाएगा summation I equal to 1 to n RIC cross MI VC तो ये क्या है आपको ये second टर्म अब थर्ड टर्म क्या आएगा तो समेशन i इक्वल टू 1 टू n वो होगा rc क्रॉस mi vc तो वो हो जाएगा rc क्रॉस mi vic समझ में आया और लास्ट टर्म आएगा समेशन i इक्वल टू 1 टू n वो आएगा rc क्रॉस mi vc ये चार टर्म आ गए ये हम समझ में आ रहे अब हमें बस ये चार टर्म को एनालाइज करना है तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा तो लेट अस स्टार्ट एनालाइजिंग तो वी लेट अस कम टू द फर्स्ट टर्म लेट अस एनालाइज द फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म में आप देखिए ध्यान से ये RIC इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ द आईएफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मतलब ये है पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और ये जो MIVIC दिख रहा है ये VIC है यानी वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसलिए ये है मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सो दिस इज मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास समझ में आ रहा है तो ये पोजीशन भी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और ये मोमेंटम भी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो ये पूरा हो गया एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये पूरा क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ठीक है समझ में आ रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास है इसके रेस्पेक्ट पे इसका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट पे इसका मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पोजीशन भी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में तो उसका जब क्रॉस प्रोडक्ट हो गया r क्रॉस p
राइट, ये टर्म क्या है, ये टर्म है समेशन i इक्वल टू 1 टू n r i c क्रॉस p i c, ये जो टर्म है ये क्या है r i c क्रॉस, ये r क्रॉस भी क्या देगा आपको, ये आपको देगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इसका समेशन जब करोगे, इसका समेशन फर्स्ट टर्म का, तो ये क्या देगा आपको, ये देगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये दे देगा आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये एनालिसिस हुआ फर्स्ट टर्म का, ये एनालिसिस हो गया फर्स्ट टर्म का, समझ में आपको, ठीक है। अब देखो इसके आगे, तो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में जो हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे एम आई और क्या है वी सी, ठीक है। तो बी सी जो है, बी सी वो कांस्टेंट है, वो क्या है कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि वहां पे आपने आई नहीं लगाया, क्या लगाया आई। इस टर्म में वेरिएबल क्या है आई, इस टर्म में वेरिएबल क्या है आर इक्वल टू वन टू एन। तो समेशन किस पे ऑपरेट करेगा, समेशन उस पे ऑपरेट करेगा जिस टर्म में आई होगा, समेशन उस पे ऑपरेट करेगा जिस टर्म पे क्या होगा आई होगा, समझ में आ रहा आपको, ठीक है। तो ये जो बीसी है, बीसी बीसी को आप बाहर ले सकते हैं, क्योंकि बीसी इस टर्म में आई है क्या, इस टर्म में आई है ही नहीं, इस टर्म में आई नहीं है तो इस पे समेशन ऑपरेट होगा ही नहीं, ये पॉइंट समझ में आ रहा आपको। तो बीसी अगर आप बाहर लेते हैं तो अंदर आपके पास क्या बच जाता है, अंदर आपके पास बच जाता है समेशन ऑफ आर आई सी क्रॉस एम आई, आर आई सी क्रॉस एम आई, समझ में आ रहा है राइट। तो अब ये जो टर्म है आर आई सी क्रॉस क्रॉस, अच्छा यहां पे आर आई सी, तो आप क्या करेंगे इसको ऐसा करेंगे, देखो आप एम आई को बाहर ले लो, एम आई को क्या ले लो बाहर, क्योंकि नहीं एम आई बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि एम उस पर क्या लगा हुआ है, उस पर आई लगा हुआ था, उसको आप बाहर नहीं ले सकते, तो समझ में आ रहा है, दैट इज नॉट ए आउटसाइड, उस पर समेशन ऑपरेट होगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड वी सी वी कैन टेक आउटसाइड, तो वॉट वी शुड डू, वी शुड डू इट लाइक दिस, समेशन आर आई सी क्रॉस क्रॉस वी कैन कीप इट लाइक दिस, एंड वॉट अबाउट एम आई, एम आई आर आई क्रॉस वी सी, तो समेशन वी कैन ऑपरेट ऑन ऑन आर आई सी। नाउ लेट अस अगेन थिंक, ये हमने सही किया ना, आर आई सी क्रॉस एम आई बी सी, तो जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा, वी स्टडी सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास में आपको याद होगा कि जो आर सी ओ एम था, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो निकल के आया था समेशन ऑफ एम आई आर आई, समेशन एम आई आर आई डिवाइड बाई समेशन एम आई, और इसका बेसिक कंसेप्ट जुड़ा था मास मोमेंट से, इससे जुड़ा था मास मोमेंट से। तो मास मोमेंट का ऐसा था कि अगर हम लोग मास मोमेंट्स निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, यानी एम इंटू मास मोमेंट था जेड, जेड वेक्टर वो क्या था एम इंटू आर आई, एम आई आर आई, तो एम आई आर आई, लेकिन आर आई सी लिया आपने, आर आई सी लिया, तो ये एम इंटू आर आई सी, तो इसका जो समेशन होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी इसका जो समेशन है ये जीरो आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट सम ऑफ मास मोमेंट्स क्या आता है जीरो आता है। ये डेफिनेशन था सेंटर ऑफ मास का, अगर आप तो याद आएगा सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास, पहले हमने मास मोमेंट पढ़ा, मास मोमेंट मतलब एक पॉइंट के अबाउट क्या होता है एम इंटू आर, एम आई इंटू आर आई, लेकिन ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट ऐसे सारे मास मोमेंट्स का सम जीरो हो,
ऐसे सारे मास मोमेंट सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, वी कॉल इट एज सेंटर ऑफ मास। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये अपने पास आर आई सी, ठीक है, आर आई सी का समेशन, और ये एम आई, राइट राइट, तो एम आई और आर आई सी, तो ये इस तरह से हो रहा है ना, एम आई और आर आई सी हो रहा है, करेक्ट। और ये बी सी को आप अलग कर सकते हैं क्योंकि बी सी पे वो समेशन ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसमें से हम लोग जो है ये टर्म जो है, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ना, दिस इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट एम आई आर आई, दिस इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, ये सिर्फ एम आई आर आई सी है, यानी बेसिकली ये समेशन ऑफ एम आई आर आई सी है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अभी मान लो ए क्रॉस बी सी है, ए क्रॉस बी सी है, आप इस बी को ए के साथ भी ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी ए क्रॉस सी, दिस ऑल्सो इक्वल टू बी ए क्रॉस, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसको आप सी के साथ लो या ए के साथ लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर मैं ये एम को इसके साथ ले लूंगा, ये स्केलर है ना, वेक्टर कौन है, ये और ये, तो जिस तरह से ये हो रहा है कि मैं बी को ए के साथ ले सकता हूँ, उसी तरह से मैं एम आई को इसके साथ ले सकता हूँ, यानी आप चाहो तो हाईलाइट वन मोर स्टेप, ऐसा हो जाएगी एम आई आई टेक विद दिस, सो दिस इज एम आई आर आई सी एंड देन क्रॉस बी सी, दिस एंड दिस इज सेम, दिस एंड दिस इज सेम, इससे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी सी साइन थीटा, इसका भी वही आएगा ए बी सी साइन थीटा। तो जो स्केलर है, स्केलर को आप पहले वेक्टर के साथ लो या स्केलर को आप दूसरे वेक्टर के साथ लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था, यहाँ पे वो क्रॉस नहीं है, वो सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई बताया एम आई आर आई सी में, इट्स नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि कभी भी हम एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में क्रॉस नहीं ले सकते ना, स्केलर और वेक्टर क्या होता है, वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर होता है, तो ये एम आई इज मल्टीप्लाइड विद आर आई सी, मल्टीप्लाइड, देयर इज नो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एम आई को सर ले लूंगा, तो अब ये जो एम आई आर आई सी है इस पे ऑपरेट होगा समेशन, इस पे क्या ऑपरेट होगा, और बी सी पे ऑपरेट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और ये जो एम आई आर आई सी है यही है समेशन ऑफ मास मोमेंट्स, ये क्या है, समेशन ऑफ मास मोमेंट्स, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, समझ में आपको, ये हो गया सेकेंड टर्म। अब आ जाइए थर्ड टर्म पे, तो थर्ड टर्म में फिर से ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये फिर से क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो अभी यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहां इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे पहले से ही आर सी एक साइड में कॉन्स्टेंट टर्म और ये एक साइड में, तो मैं समेशन को अंदर लेके जाऊंगा, समेशन आई टेक इट इन साइड, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, आर सी इज अ, तो ये टर्म हो जाएगा आर सी क्रॉस, देखो सिर्फ ये समेशन को अंदर लेके जा रहे हैं, वी आर टेकिंग द समेशन इन साइड, तो आर सी ऑलरेडी जा रहेगा RC, और बीच में क्या आएगा क्रॉस, और समेशन उस पे ऑपरेट होगा क्योंकि उसके अंदर आई है ना, यहाँ दोनों टर्म में क्या है, जहां आई है वहां समेशन ऑपरेट होगा, क्योंकि समेशन का वेरिएबल क्या है, आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन, तो समेशन एम आई वी आई सी, ठीक है, ये चल रहा है हमारा थर्ड टर्म। अब हम लोग देखें इसका क्या होगा, अब ये जो आपको दिख रहा है समेशन एम आई वी आई सी, इसके लिए भी हम लोग वापस आते हैं सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास में आपको याद होगा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास वो होता है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है, वो होता है टोटल मास इनटू बीसी,
लीनियर मोमेंट ऑफ एनी सिस्टम क्या होता है, टोटल मास इनटू वीसी ओ एम। और अगर मुझे ये जो पी सिस्टम है ये मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, मतलब ये क्या हो जाएगा एम वी सी ओ एम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये जो टर्म है राइट एम वी सी ओ एम और ये एम वी सी ओ एम, हाँ ये जीरो आएगा, ये तो पक्का आपको सबको पता है कि ये टर्म कितना आने वाला है, ये टर्म जीरो आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कितना दिखेगा, जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना दिखेगा, जीरो दिखेगा। इसका मतलब ये जो टर्म है एम वी सी ओ एम ये जीरो आएगा, वो तो आप पक्का पता है, लेकिन एम वी सी ओ एम क्या है, तो उसके लिए आप याद करो ये एम वी सी ओ एम है समेशन ऑफ एम आई वी आई एम आई वी आई विथ रेस्पेक्ट टू सी ओ एम। ये सी ओ एम तो अलग आया, ये एम वी सी ओ एम है। तो मैं आपको फिर से याद दिला दो कि वी सी ओ एम क्या होता है, वी सी ओ एम होता है समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन एम आई। तो समेशन एम आई वी आई और ये टोटल मास होता है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपको मिलेगा एम वी सी ओ एम इज इक्वल टू समेशन एम आई वी आई। ये समझ में आ रहा है आपको, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, यस। तो वी सी दैट एम वी सी ओ एम इज गोइंग टू बी समेशन एम आई वी आई। तो मैं यही बोल रहा हूं कि पी सिस्टम इज एम वी सी ओ एम, उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आई राइट एज एम वी सी ओ एम विद रेस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास, but this term will become zero. But MVCOM is also equal to summation MIVI. So when I write it in MIVI to the center of mass, so this becomes zero is equal to summation MI and VI with respect to C. So I equal to 1 to N. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो third term है, ये भी क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा, क्योंकि ये zero होने वाला है. This is going to become zero. MIVI से. MIVIC will become zero. यानी ये third term zero हो गया. Clear हुआ आपको? अब बचा आपके पास last term. अब आपके पास क्या बच गया? Last term. ये वाला last term. तो ये last term जो है, इसमें आप देख सकते हैं, ये RC और VC दोनों constant है. जो constant है, उसमें I का term नहीं है. तो एक ही चीज़ है MI. तो हम लोग क्या करेंगे? वापस इसको अंदर ले लेंगे summation को. तो ये हो जाएगा RC cross. और ये MIVC है, इसको मैं MI को आगे लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. जैसे ये है ना A क्रॉस BC, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज A क्रॉस C इनटू B, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. समझ में आ रहा आपको? तो मैं वैसे ही करूंगा यहाँ पे, आई टेक इट एज RC क्रॉस BC बाहर, और वो जो MI है उसको अंदर रहने दूंगा. I इक्वल टू 1 टू N. समझ में आ रहा है? ये हो गया टोटल मास. ये क्या हो गया? तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RC क्रॉस MVC, सही है? तो ये क्या है? ये है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये अगले स्टेप में, अब वो जो आपको निकालना था L सिस्टम अबाउट Q, क्या निकालना था हम लोगों को? L सिस्टम अबाउट Q जो निकालना था, तो उसमें दो ही टर्म बचे, ये और ये. समझ में आ रहा है? ये टर्म है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये टर्म क्या है? ऑफ सेंटर. तो अपने को टोटल मिल गया एल सिस्टम अबाउट क्यू. एल सिस्टम अबाउट क्यू, अपने को दो टर्म मिल जाएंगे. एक तो एल सिस्टम अबाउट सी, एल सिस्टम अबाउट सी एंड एल सी अबाउट क्यू. ये जो टर्म आपको दिख रहा है आर सी क्रॉस एम बी सी, ये क्या है? ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट क्यू, अबाउट क्यू. दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास. क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी सी, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम वी सी, सही है? समझ में आया? और ये जो आर सी है, ये आर सी किससे लिया तुमने? क्यू से लिया है. इसका मतलब जब मैं RC क्रॉस P कर रहा हूं, RC क्रॉस PC कर रहा हूं, RC क्रॉस PC, वो RC किससे लिया है? Q से. तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकाल रहे हो? Q से निकाल रहे हो ना.
तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बट अबाउट क्यू, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये बना इक्वेशन, ये बना आपका जनरलाइज इक्वेशन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट ए निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सी प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी अबाउट ए। सिंपल है, सिर्फ आपको एक सी सेंटर ऑफ मास बीच में इंसर्ट कर देना है। अगर आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट बी तो मैं क्या लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट बी। क्या आपको पॉइंट समझ में आया एवरीवन? राइट। अब लास्ट एक बार, अगर मुझे निकालना है एंगुलर सिस्टम अबाउट डी तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो जोर से, सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट डी। वेरी गुड। तो ये कंक्लूजन, ये याद होना चाहिए, समझ में आपको? ठीक है।